आज जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन हमें इक्वेशन हमें इस टाइप की होगी, पी एक्स के ऊ एक्स होगा। अब एक्स इक्वल्स टू ए ऑर्डिनरी पॉइंट होगा अगर बोथ पी एक्स के ऊ एक्स एनालिटिक हो जाएं एक्स इक्वल्स टू ए पे, सिंपली हम कह सकते हैं डिफाइंड हो जाएं एक्स इक्वल्स टू ए पे, या उनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहे हों, पोजेस कर रहा हो वो ऑल ऑर्डर का किसी नेबरहुड एक्स इक्वल्स टू ए में। अगर वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं हुआ तो वो सिंगुलर पॉइंट होगा। सिंगुलर पॉइंट में रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी। चलो हम इससे समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। क्वेश्चन हमें दिया गया है, शो दैट एक्स इक्वल्स टू जीरो इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट बट एक्स इक्वल्स टू वन कैसा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट। इस इक्वेशन का सबसे पहले हम इसे जैसे हमारी जनरल इक्वेशन थी उससे कंपेयर कर लेंगे, तो इसे डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन से। तो पी एक्स जो हमारा आ जाएगा वो आएगा बाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्यू एक्स जो आ जाएगा वो आएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब जो है हमारा पी एक्स क्यू एक्स, एक्स बराबर जीरो पे क्या है, डिफाइंड एनालिटिक है, तो हम क्या बोलेंगे एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या इसका ऑर्डिनरी पॉइंट। अब देखो एक्स इक्वल्स टू वन पुट करने पे ये कैसे बन रहे हैं, नॉट डिफाइंड बन रहे हैं, मतलब अब एनालिटिक नहीं रहे एक्स इक्वल्स टू वन पे। तो हम क्या कहेंगे एक्स इक्वल्स टू वन जो है इसका कैसा पॉइंट है, सिंगुलर। अब हमें चेक करना है ये सिंगुलर रेगुलर और इरेगुलर, ये भी चेक कर लेते हैं। तो आपको क्या देखना है, जैसे एक्स इक्वल्स टू वन आया तो एक्स माइनस वन यानी एक्स माइनस ए जो भी पॉइंट ए होगा और x माइनस वन का स्क्वायर पी एक्स क्यू एक्स, इसको सोल्व करने का है रेगुलर और इरेगुलर सोल्व करने के लिए। तो अब क्या करें x माइनस वन, एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख लेते हैं x प्लस वन एक्स माइनस वन, तो कैंसिल होकर कितना आ गया x बाय एक्स प्लस वन, और ये बनेगा x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस यानी x प्लस वन और x माइनस वन, ये भी क्या आ गया हमारा कैंसिल होके माइनस ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइड में एक्स प्लस वन डिवाइड में एक्स प्लस वन, यहाँ एक्स नहीं था माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन था, तो बन गया माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड में एक्स प्लस वन। अब देखो पी एक्स ये जो आ रहा है और ये जो आ रहा है, ये मतलब ये दोनों चीज़ें ये एक्स इक्वल्स टू वन पे क्या है, डिफाइंड है। तो एक्स इक्वल्स टू वन कैसा पॉइंट हो गया, रेगुलर सिंगुलर। मगर मान लिया अब भी अगर ये नॉट डिफाइंड रहते हैं तो हम कैसा बोलते हैं इसको, इरेगुलर सिंगुलर बोल देते इसको, ठीक है। मतलब अगर नीचे एक और x माइनस वन अब भी बच जाता है ये मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हर एक में क्या करना है x माइनस ए को px से, x माइनस ए का स्क्वायर को क्यू एक्स से, ये यहाँ पे वन था सिंगुलर पॉइंट जिसके लिए चेक कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके देख लें जो आंसर आए उसी पॉइंट पे अगर अब भी वो नॉट डिफाइंड है तो वो इरेगुलर सिंगुलर होगा, और अब भी वो क्या है रेगुलर है और सॉरी अब क्या है डिफाइंड है तो वो रेगुलर सिंगुलर हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया जल्दी जल्दी बता देते हैं, तो इस तरह ये इक्वेशन थी, ये क्वेश्चन था, तो ये बन गया, हमने कंपेयर कर लिया पी एक्स आ गया क्या वो एक्स आ गया, एक्स इक्वल्स टू वन इसका क्या हो गया सिंगुलर पॉइंट, वही एक्स माइनस वन इंटू पी एक्स एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। सोल्व करने के बाद यहाँ पे टू बाई एक्स थ्री बाई एक्स एक्स माइनस वन, तो देखिए जो ये वाला पार्ट है ये वाला क्या अब भी एक्स इक्वल्स टू वन पे डिफाइंड नहीं है, एनालिटिक नहीं है, तो ये जो एक्स इक्वल्स टू वन है वो कैसा है, ई रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है।